नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं एनसी बजाज, देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ के मामले में अब दिल्ली पुलिस ने लिया है एक्शन। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में आईपीएस की धारा 186, 353, 188, 332 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 के अधिनियम संख्या 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई और जांच जारी है। इससे पहले डीसीपी उत्तर सागर सिंह कलसी ने बुधवार दिन में बताया है कि दिल्ली विधानसभा में फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर सीएम दिल्ली की टिप्पणी के खिलाफ सुबह करीब 11 बजे बीजेपी युवा मोर्चा करीब 150 से 200 प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया है। राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर ने की खुदकुशी। इलाज के दौरान मौत की घटना ने एक डॉक्टर को धारा 302 में फंसा दिया और फिर डॉक्टर को मौत के गले लगने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये मजबूर करने वाले जो लोग हैं उसके खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटल से लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया, जाम कर दिया। प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों की मांग है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। डॉक्टर बिरादरी का कहना है कि किसी डॉक्टर के खिलाफ धारा 302 का केस दर्ज होना कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। शंघाई में लॉकडाउन, चीन की जीरो कोविड नीति की परीक्षा ले रहे हैं ओमिक्रॉन। लोग जरूरी सामान इकट्ठा करने में लगे हैं, वहीं हजारों लोग अपने दफ्तरों में भी रात गुजार रहे हैं। कई लोग सख्त लॉकडाउन को लेकर शिकायत कर रहे हैं, इनमें से कुछ है कि वीडियो वायरल भी हुए। प्रशासन ने कई सप्ताह तक शहर के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन लगाने के बाद शंघाई के 2 हिस्सों में बांट दिया है। इस सप्ताह शहर के पूर्वी हिस्सों में रह रहे लोगों से कहा गया है कि घरों के भीतर रहें। अब शुक्रवार से शहर के पश्चिमी हिस्से में लॉकडाउन शुरू होगा। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के मामलों में तेजी आई है और इसी के बाद शहर में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की साजिश नाकाम। जयपुर के सीरियल बम ब्लास्ट से दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। राजस्थान पुलिस ने बुधवार को चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा में मध्य प्रदेश के सूफा संगठन के 3 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया। इनकी कार में बम बनाने का सामान, टाइमर और 12 किलोमीटर आरडीएस बरामद हुआ। आरोपी निम्बा हेड़ा में बम बनाकर दूसरी गैंग को देने वाला ताकि जयपुर में 3 जगह सीरियल ब्लास्ट कर सके। साजिश को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। देशद्रोह के मामले में कुख्यात सूफा संगठन 2012-2013 में मध्य प्रदेश के रतलाम के एक्टिव हुआ था। कई साल तक शांत रहने के बाद ये आतंकी संगठन दोबारा आतंकी वारदात की फिराक में है। पाकिस्तानी तालिबान और सेना में मुठभेड़। पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप पर हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 6 सैनिकों की मौत हो गई, वहीं 3 हमलावरों के मारे जाने की खबर है। प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमले को जिम्मेदारी ले ली है। पाकिस्तान सेना ने खुद हमले के बारे में सभी को जानकारी दी है। सेना ने एक बयान में कहा है कि सैनिकों के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की और हमले में शामिल 3 हमलावरों को मार गिराया। फिलहाल टैंक जिले के और जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। हमला में लगभग 30 अन्य सैनिक घायल हो गए। स्थानीय पुलिस अधिकारी जाहिद खान ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में हिट एंड रन केस। राजधानी दिल्ली के जनपद इलाके में हिट एंड रन मामले का वीडियो सामने आया। यहां तेज रफ्तार से एसयूवी ने सड़क से गुजर रहे शख्स को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर एसयूवी लेकर मौके से फरार हो गई है। पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 39 साल की गिरधारी के रूप में हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी की पहचान की जा रही है। जल्द ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। 18 मार्च को दिल्ली के बाबा बांदा सिंह बहादुर फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हुआ था। यहां कार और ऑटो में टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं ऑटो में सवार 3 से 4 लोग घायल हो गए जबकि एक महिला और बच्चे की मौत हो गई थी। गाजियाबाद मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना को गोली लगी। फैक्ट्रियों में सामान चुराने वाले चोरों से गाजियाबाद पुलिस की बुधवार देर रात करीब 1 बजे मुठभेड़ हो गई। इसमें दोनों ओर से गोलियां चली। एक बदमाश पैर पे गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर हापुड़ जिले में 17 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। एसपी सिटी यागेंद्र सिंह ने बताया कि क्राइम ब्रांच और सीनी गेट थाने की पुलिस की मुठभेड़ बुधवार देर रात मेरठ रोड स्थित LLT फ्लाईओवर किनारे सर्विस रोड पर हुई।
घायल बदमाश अंतरराज्य गिरोह का सरगना उस्मान उर्फ भूरा है। वह गाजियाबाद जिले में भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव कलछीना का रहने वाला है। उसके कब्जे में एक तमंचा कारतूस व अपाची बाइक बरामद हुई है। गांजे की तस्करी करने वाला पकड़ा। मेरठ पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले भूपेंद्र को मवाना रोड से गांजे के साथ गिरफ्तार किया। भूपेंद्र पहले ही अपने अन्य साथियों के साथ नशे का कारोबार करने में शामिल रहा है। आरोपी से गंगानगर पुलिस पूछताछ कर रही। 3 माह पहले ही बरेली में एसटीएफ ने अफीम पकड़ी थी। इससे पूछताछ में पता चला है कि मेरठ के गंगानगर पुलिस ने मवाना रोड स्थित एक कॉलोनी से कार सवार युवक को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी की कार से 5 किलो प्रतिबंधित गांजा बरामद किया है। आरोपी युवक मवाना रोड के पछोला गांव का रहने वाला है। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं युवक के गांव के लोगों का कहना है कि गांव में परिवार व अन्य लोगों को पता भूपेंद्र की नौकरी करने की जानकारी है। स्पिन के जादूगर को आखिरी शाम शेन वॉन के फेयरवेल पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG 50,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए। वही मैदान में जहां वॉन ने अपना 700वां टेस्ट विकेट लिया था, इसी मैदान में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हैट्रिक भी बनाई थी। कार्यक्रम में रॉबी विलियम्स, एड शीरिन और एल्टन जॉन जैसे ग्लोबल सुपरस्टार भी शामिल हुए हैं। वॉन के बेटे जैक्सन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को विवाद देने के लिए MCG सबसे सही जगह। उन्होंने कहा कि ये हमारे परिवार के लिए बहुत खास है। हमें भाग्यशाली हैं जहां MCG आए और उन्हें खेलते हुए देखा। आर्यन खान ड्रग्स केस। बॉलीवुड के चर्चित आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले में आज मुंबई की अदालत आज इस बात पर फैसला सुनाएगी कि मामले की जांच करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने का समय दिया जाए या नहीं। आर्यन पर ड्रग्स के सेवन करने समेत कई अन्य आरोप है। NCB ने सोमवार को मुंबई के सत्र अदालत ने आवेदन दायर कर आर्यन खान से संबंधित कथित क्रूज केस पे आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। सुबह की 10 ताजा खबरें ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।